शख्सियत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बस दो मिनट की वसीयत सुनानी है अपने बुजुर्गों को और फिर मैं मसाइल की मंजिल पर आ जाऊंगा। दो किताबें हैं, जनाबिल मवद्दा और मवद्दत अल कुरबा, दोनों किताबों से लेके पढ़ रहा हूं। जैसे ही सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया तो सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने वारिस मोहम्मद मुस्तफा को एक वसीयत की। क्या वसीयत की? ऐ मेरे बेटे, मुझे गुस्ल कफन के बाद मेरे बाबा अब्दुल मुत्तलिब के साथ दफन करना, अब्दुल मुत्तलिब की कब्र में दफन करना, अब्दुल मुत्तलिब की कब्र के पहलू में नहीं, कब्र के आसपास नहीं, कब्र के पहलू में नहीं, बल्कि कब्र के अंदर मुझे मेरे बाबा अब्दुल मुत्तलिब की कब्र के अंदर दफन करना। कौन कह रहा है? अबू तालिब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? खातिमुल मुर्सलीन को कह रहे हैं। क्या हुआ? जैसे ही विसाल हुआ अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, मेरे रसूल ने गुस्ल कफन दिया, दोनों भाई अली और रसूल जनाजे को लेकर चले। जैसे ही लेकर चले उस कब्रिस्तान में पहुंचे, पत्थर को हटाया, अबू तालिब को यकीन था मेरा बाबा का वजूद नूरे मुकद्दस है, इसीलिए तो कह दिया ताकि दुनिया देख ले जहां मेरा बाबा दफन है मैं भी वही दफन होऊंगा। रसूल ने पत्थर हटाया, अली ने पत्थर हटाया, अंदर अबू तालिब का नूर चमक रहा था। रिसालत और इमामत ने नेकीबान रिसालत और इमामत को कब्र में रखा। जब कब्र में रख दिया अबू तालिब को साथ दफना दिया। ये है अबू तालिब रसूल का पहला मददगार। साथ दफना दिया, पैगाम छोड़ दिया। इंसान का अकीदा दो मौकों पर पता चलता है, या शादी पर पता चलता है या जब जनाजा उठता है तो पता चलता है। तो अबू तालिब का जनाजा रसूल ने पढ़कर बता दिया, ये वो नहीं जिसे मैं हिदायत दूं, अबू तालिब वो है जिसे अल्लाह हिदायत देता है। ये वो थे जो दुनिया को हिदायत देने आए थे।